दोस्तों, आखिर बिग बॉस 17 के घर के कंटेस्टेंट ईशा मालविया का एलिमिनेशन हो चुका है, लेकिन आज हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर क्यों ईशा मालविया को घर से बाहर निकाला गया। तो हम आपको ये बता देते हैं कि अब यहाँ पर ईशा मालविया को निकालने की वजह जो है वो तीन कारणों की वजह से हुआ है, और ये तीन कारण अब सबके सामने आ चुके हैं। आखिर कौन से हैं ये तीन कारण, क्यों निकाला गया है बिग बॉस 17 के घर से ईशा मालविया को बाहर, सलमान खान ने ऐसे कौन से तीन कारण बताए जिसकी वजह से ईशा मालविया हो चुकी है घर से बाहर, चलिए आपको पूरी पूरी जानकारी देते हैं हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, बिग बॉस 17 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और नई से नई और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता देंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस 17 के घर के अंदर जो ईशा मालविया है वो इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुई थी। तो ऐसे में अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ईशा मालविया को सलमान खान ने घर से बाहर निकाल दिया है, और जो इसके तीन कारण हैं उनमें सबसे पहला कारण ये बताया जा रहा है कि जो ईशा मालविया है उसकी जो लड़ाई हुई थी अभिषेक कुमार के साथ, और उसने अपने बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल के साथ मिलकर जो अभिषेक कुमार के साथ लड़ाई की थी, उसके बाद लोगों को ये पसंद नहीं आ रही थी, जिसके बाद लोगों ने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। बात करें यहाँ पर दूसरे बड़े कारण की, तो आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि जैसे ही इन दोनों की ये लड़ाई हुई और लोगों को जैसे इस बात का पता चला कि यहाँ पर ईशा मालविया गलत है, तो लोगों ने इन्हें वोट देना भी बंद कर दिया। जी हाँ, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, लोगों ने इन्हें प्यार करना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से कम वोटों के चलते अब ईशा मालविया घर से बाहर हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर तीसरा कारण कौन सा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि जो तीसरा कारण है वो है ईशा मालविया के समर्थ जुरेल, जो बॉयफ्रेंड है वो, क्योंकि जब से वो घर के अंदर आए थे उसके साथ मिलकर ईशा मालविया ने अभिषेक कुमार को बहुत दुख दिया था, जिसके बाद ईशा मालविया का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा था। फिलहाल इस खबर में इतने मेल, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।